हेलो। हरी जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं कह रहा हूँ साहब, मैं आपकी डाइट को ही मेरे को 15-20 दिन हो गए फॉलो करते हुए, जी तो इसमें चुकंदर शामिल कर सकता हूँ साहब डाइट में? सुंदर, हाँ साहब, कितना फायदा हुआ है आपको अभी तक? फायदा तो मिला है सर, बहुत कम से कम 40-50% मिल गया था। अच्छा, तो डाइट आपको हाँ सर, पसंद आ गई है। जी, कैसे हाँ सर, कर रहे हैं डाइट आप? ठीक मैं सर सुबह लेता हूँ पपीता लेता हूँ साहब, है जी, ठीक पपीता या सेब का सेब ले लेता हूँ, है। फिर उसके बाद में लेता हूँ साहब, मैं क्या नाम है इसका, सलाद लेता हूँ, खीरा हुआ, गाजर हुआ, जी, अच्छा ठीक है। ये सलाद लेता हूँ। जैसे कभी बीच में भूख लिया तो तरबूज भी ले लेता हूँ साहब मैं, अच्छा ठीक है। अच्छा और फिर बाद शाम को वो मिलेट्स बनाता हूँ साहब, अच्छा ठीक है। ये राइट, है साहब मेरी। बीट रूट तो भी मत लो, बीट रूट मत लो। आप फौज में है ना, आप वहीं से बात कर रहे हैं ना? हाँ जी साहब, अच्छा, आपने आपसे उनका नंबर भी लिया था आपने, वो जो नेवी में है उनसे बात हुई थी आपकी? ना मैंने नहीं की सर, फिर अच्छा, आपने बात ही नहीं की। जी नहीं सर, मैं तो आपके उस पर वो फॉलो। जी अच्छा, चलो, वो भी तो हमारी ही डाइट फॉलो कर रहे हैं तो। हाँ वो आपकी कर रहे हैं क्या? हाँ वो मैंने आपका वीडियो देखा था साहब एक दिन, तो वो मैं आपका देख रहा था। हाँ, राइट राइट राइट, तो ये दो ये नहीं पूछ लेना है। जी, और कुछ पूछना चाह रहे हैं? अभी मत लीजिए इसको, कितने दिन तक मिलूं साहब? महीना डेढ़ महीना रुक जाइए, फिर हाँ साहब, ये बाद। 55 महीने का साहब, नहीं, पचता तो है, लेकिन आप खा के देख लीजिए, देखिए आपको कैसा लग रहा है, आप खा के अनुभव हाँ कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नहीं, फिर भी आपके हिसाब से मेरे को बताया, मैं आपके उसके हिसाब से चल रहा हूँ साहब, मैं अपने हिसाब से नहीं चल रहा हूँ अभी। देखिए, ये ना, ये तो मूली की कैटेगरी में आ जाता है, हाँ जी हाँ, मूली की कैटेगरी में आ जाता है, इसीलिए मैं इसको अवॉइड करता हूँ, कारण ये है। हाँ, बाकी आप लेके देख सकते हैं, आप ट्राई मारिए, देखिए कैसा होता है, कैसा अनुभव आता है उसका। हाँ, जी चलिए, ठीक है साहब, इसी की बात करना चाह रहा था। ठीक है, और कुछ बस पूछना चाह रहे हैं? थैंक यू साहब, ओके जी, ओके, नमस्कार साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर, नमस्कार जी। सर मैं ये डाइट फॉलो कर रहा हूँ, तो एक कैलोरी का जो है पॉजिटिव आया था, जी, दही तो क्या इसमें दही ले सकते हैं कि नहीं? तो नहीं लेना है। हाँ हाँ जी, दही नहीं लेना। अच्छा, जी तो ये सोच रहा था, मैं गांव में हूँ समय ना, तो शहर में था, तो दही ये सोच रहा था कि दही ले सकते हैं या नहीं, दही ज्यादा। दही तो देखो जी, अभी आपको एसिड करेगा, हाँ, तो दही मत लीजिए आप फिलहाल। तो जैसे डाइट फॉलो करने के बावजूद मुझे कमजोरी सी आ रही है। कमजोरी तो रहता है इसमें, कमजोरी हाँ रहती है। थोड़ा कमजोरी, जैसे पहले सारा खाना खाता था तो कुछ जो है एनर्जी होती थी, लेकिन जब से डाइट फॉलो कर रहा हूँ उसी पे हूँ, तब से थोड़ा बहुत कमजोरी सी आ रही है। कमजोरी इसमें रहेगा। हाँ, डाइट जब तक फॉलो करेंगे तब तक कमजोरी रहेगी, मगर कमजोरी समस्या नहीं है, इसको आप समझ लीजिए। जी तो इसमें तो मैं जैसे कि ये पालक तो अब थोड़ा कम कर दिया हूँ, करेले का जूस ज्यादा लेता हूँ सुबह में, ठीक है तो पेट तो साफ हो रहा है, जी, मगर जैसे उसके साथ थोड़ा थोड़ा मैं भुना हुआ चना ले लेता हूँ, जैसे भुना हुआ चना, तो उससे भी पेट क्लियर हो रहा है पूरा। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ वैसे तो चना गैस करता है, आपको कोई दिक्कत नहीं कर रहा? नहीं, कच्चा चना नहीं ले रहा हूँ सर ना, अच्छा, भुना हुआ तो ही है। हाँ भुना हुआ चना लेता हूँ, तो ज्यादा नहीं मात्रा में लेता हूँ, एक मुट्ठी भर लेता हूँ, एकदम छिलका निकला हुआ रहता है, अच्छा तो ठीक है, उसको लेने के बावजूद ना, तो पेट इतना बढ़िया सुबह साफ होता है, एकदम क्लीन हो जाता है एकदम। वाह बहुत अच्छा जी, गुड।
हाँ तो मैं कच्चा चना तो बिल्कुल नहीं लगा, कच्चा चना मैं सर ले भी लेऊँ ना तो इतना एसिड बनाने लगता है कि ये समझो पचना बहुत ज्यादा एसिड बनाने लगा कच्चा चना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, ऐसा ही होता है। हाँ तो भुना हुआ चना और ये इसे बस यही इतना हो रहा है कि जिसे बहुत ज्यादा समस्या थी छाले हो गए थे, तो इसको हाँ मैंने लापरवाही किया बहुत ज्यादा, मैं समझ नहीं पाया, दवाई के पीछे ज्यादा पड़ गया मैं, दवा 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 दवा, तो सारे डॉक्टर वही एक ही दवा देते थे, वही गैस की दवा, पेट साफ करने की एच पायलोरी किट देते थे, यही यही खाता था मैं, बहुत परेशान हो गया काफी समय से। तो अच्छा मैंने काफी आप रिसर्च किया, सब कुछ किया, ये हुआ वो हुआ, और दिमाग पागल से दौड़ने लगा कि ये हो गया वो हो गया। फिर मैंने आपका जब वीडियो देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे जैसे तो बहुत सारे आदमी हैं और डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो इन्हीं सर से, जी आपका जी किताब भी पूरी तरह से पढ़ लिया सब कुछ जो है, फिर आपसे जब से जुड़ा मैं ना तो जी बहुत जी मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत जैसे बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, जीने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, पता लग रहा था कि जैसे कि मैं पूरा संसार ही उड़ गया। असल में ये डाइट ही ऐसी है, बेसिकली ये सिर्फ बीमारी को नहीं क्योर करता है, असल में ये जो है बंदा इसमें स्पिरिचुअल भी हो जाता है, आप समझ रहे हैं। बिल्कुल सही आपका, आपने आप जो अनुभव कर रहे हैं बिल्कुल सटीक अनुभव है आपका। हाँ तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा दही ले सकते हो, मैंने कहा दही ले सकता हूँ मैं तो, गांव में भैंस है मेरे पास, जबकि जी मैं दूध भी नहीं ले रहा हूँ, दूध वगैरह तो सब बंद कर दिया हूँ। उन्होंने कहा ठंडा दूध लीजिए, मैंने कहा ठंडा दूध तो पचेगा नहीं, गैस बनाएगा वो, तो बिल्कुल बिल्कुल जो है इसको तो मैंने एक बार पूछा कि मैं सर से कंटेक्ट कर लेता हूँ, तो उनको शायद ज्यादा अनुभव है क्योंकि वो लोग वो इस बीमारी से जो है अच्छी तरह से जानकारी है, उनको झेले हैं इसलिए पता होगा उसको, तो डॉक्टर क्या झेलेगा उसको क्या पता है, वो तो लिखेगा वो तो बता देगा सब खाओ। बोलेगा बोलेगा बिल्कुल। एक्चुअली अनुभव नहीं है ना, हाँ प्रैक्टिकली अनुभव नहीं है, तो वही बात ये है। अब जो व्यक्ति हाँ शरीर में झेल ले इसको ठीक कर ले, और कंपैरेटिवली तो डेफिनेटली फर्क तो रहता ही है। तो काफी डॉक्टरों से मैंने जो है, हमारे मित्र भी डॉक्टर हैं गैस्ट्रोलॉजी, उन्होंने भी उनसे उनसे बोला भैया ऐसे ही ऐसे, मैंने कहा सब दवाई बताओ इसमें कुछ पता है, आपने बहुत मरीजों को ठीक किया होगा लेकिन कुछ पता, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ, जी वही दवा चेंज करे, कभी DSR करके दे रहे हैं तो कभी कुछ करके दे रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं रहने दो दवा बंद कर देता हूँ, जब से दवा बंद किया हूँ तब से काफी आराम है, बस यही है मॉर्निंग में सुबह सुबह जो है बाहर की तरफ टहलने चला जाता हूँ, चलिए बहुत अच्छा है, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। और खेत में थोड़ा जैसे खेत खेत में है थोड़ा काम भी करता हूँ, और जो है अब ऑनलाइन जॉब करना चालू कर दिया हूँ मैं, क्योंकि मैं कंपनी जो है जॉब कंपनी में नहीं जा सकता, मन भी नहीं लगता था, तो इसे थोड़ा चलिए गांव एरिया में आया, वहीं से अपना जॉब चालू कर दिया हूँ, क्या काम मैं अब करते हैं आप? जो है डिजाइनर हूँ प्रिंटिंग प्रेस में। जी, अच्छा, चलिए अच्छा। आप हाँ डाइट कब से फॉलो कर रहे हैं? डाइट में आपसे बात हुई थी आज 3-4 महीना हो गया, 4 महीने से आप फॉलो कर रहे हैं, और हाँ आराम मिला है काफी आराम, जो पहले जो दिक्कत थी वो नहीं है, पहले जी, चलिए बहुत होता क्या था जैसे ब्लीडिंग ज्यादा होती थी, अच्छा। तो हाँ ब्लीडिंग काली लेटरिंग आती थी जो है, पेट साफ नहीं होता था, बिल्कुल पेट ही नहीं साफ था, तो 3-3 दिन तक पड़ा रहता था, तो जब मैं पेट साफ करने की दवा लेता था तो एक दिन साफ हो जाता, वो भी क्लियर नहीं हो पाता था। अब जब से गांव में आया हूँ तो सुबह भुना हुआ चना और वो करेले का जूस ये अगर बारिश ले लेता हूँ थोड़ा बहुत ना, तो उससे एकदम पूरा पेट क्लियर हो जाता है। हाँ करेले का जूस एकदम एक निचोड़ के निकाल देता है, करेले का हाँ जो जूस ये है। दोबारा मेरा यानी कि दोबारा दोपहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वही फिर सुबह अगले दिन हाँ राइट, पूरा क्लियर एक ही बार में, बस चलिए वही थोड़ी ब्लीडिंग की समस्या वही थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि छाले ज्यादा पड़ गए थे, मैंने एंडोस्कोपी 2 बार करवाया उसको। अच्छा। हाँ और मैंने पहले इसको जो है पहले था गैस बनती थी धीरे धीरे, मैं समझ नहीं पाता था कि मैं जो क्यों बन रहा है किस कारण बन रहा था, सारे फ्रूट खाते थे बाहर की चीजें मैगी वगैरह ये सब खाते था मैं, अच्छा, ओहो, हाँ तो जिस दिन मेरे को ज्यादा समस्या हुआ उस दिन मैं मैगी ही खाया था, मैगी रोटी, मैगी तो बड़ी खतरनाक चीज है ये, तो मतलब हाँ अल्सर कर हाँ देती है, अल्सर हो जाता है बेसिकली। तो अल्सर अल्सर है मेरे, लेकिन जो है उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया ना, उसी पे मैंने अगर नहीं खाना परहेज कर लिया होता ना तो शायद वो जड़ से ही उसी समय खत्म हो जाता, लेकिन ज्यादा बढ़ने पे टाइम लेगा वो ठीक होने में। बिल्कुल बिल्कुल। अभी 4 महीने से डाइट आप कर रहे हैं,
चलिए ठीक है, बहुत इम्प्रूवमेंट है आपका, तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। जैसे पपीता है, खेत में लगे हुए हैं ढेर सारे पपीते, अच्छा तो जो है उस पपीता को एकदम पका हुआ ज्यादा अच्छा रहेगा कि थोड़ा जिसे सलाद टाइप में? नहीं, पका हुआ ज्यादा अच्छा रहेगा, एकदम पक जाए तो वो सही हाँ रहेगा। हाँ अच्छा, तो पका हुआ ज्यादा सही रहेगा। तो मैं तोड़ के जैसे कि थोड़ा थोड़ा नॉर्मल रहता है तो तोड़ के रख देता हूँ, तो दूसरे दिन पक जाता ज्यादा जो हो जाता है। हाँ, ज्यादा देखिए फिर आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा ना, अगर वो पका हुआ हाँ एकदम बढ़िया से तो बड़े आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो सुबह में मैं वो सुबह में उसको दोपहर में ज्यादा लेता हूँ, सुबह में तो नहीं ले पाता हूँ, दोपहर में। कोई बात नहीं, कभी भी ले लीजिए। रोटी वगैरह? रोटी तो अभी 4 महीना हो गया है, आप क्या खा रहे हैं? रोटी ही ले रहे हैं फिर क्या अपनी अपना थोड़ा नहीं, डाइट शेड्यूल बताएं। उबला हुआ भोजन ले रहे हैं, उबला हुआ चावल, जैसे उसमें पत्ता गोभी डाल देते हैं हल्का अच्छा सा, और टमाटर, बस यही दो चीज बस, और कुछ नहीं। और उबला हुआ चावल, एकदम पका हुआ चावल, एकदम जैसे कि लग रहा है कि खिचड़ी जैसे हुआ, पका हुआ एकदम। चलिए ठीक है। पत्ता गोभी आपको गैस नहीं कर रही? गैस तो नहीं बना रही वो, तो एकदम सही कर रहा है। फूल गोभी गैस बनाती इसको कहूंगा मैं। अच्छा अच्छा अब पत्ता चलिए गोभी में कुछ छोड़ ही रहा हूँ, मसाले नहीं ऐड कर रहा हूँ उसमें। अच्छा। हाँ उसमें मसाले नहीं ऐड कर रहा हूँ, इसे जो नॉर्मल सा नहीं खाना होता, उसमें जीरा का तड़का दे रहा हूँ। हाँ, और ये क्या नाम है इसका, जैसे थोड़ा सा वो बनाया हूँ जैसे औषधि में, ये हाँ त्रिफला हुआ और हेड़ बहेड़ा हुआ, उसके बाद आंवला, जो घर का आंवला था उसको भी सुखा के उसको पिसा के एकदम, और उसमें जीरा हुआ सब ऐड करके जो है पाउडर बना ले, वो जब पेस्ट बनती है तो वही लेता हूँ, तो थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है उससे। हाँ अच्छा। उसको क्वांटिटी में ज्यादा इसे पीस के बना लिया हूँ, उससे यानी कि नॉर्मल चीजें बनाया हूँ, उसमें हल्का सा काला नमक है बस। नहीं ठीक है, ये तो बढ़िया औषधि है त्रिफला, तो हाँ, तो मतलब जैसे कई वीडियोस में लगता है जिक्र मुझे गैस किया है। बन रही है ना, थोड़ी मात्रा में पानी के साथ गुनगुन जो है हल्का पानी लेके उसके बाद ले लेता हूँ। ठीक है। तो सर अभी लगभग डाइट कितना दिनों तक तो कैसे चलता रहेगा? देखो जी, 4 महीना तो हो गया है और आपको काफी जो है आराम भी मिल चुका है, मगर आराम तो अभी है सर, लेकिन कमजोरी बहुत आ रही है। कमजोरी आ रही है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? रात में क्या लेते हो? रात में वही पकाया हुआ भोजन लेते हैं, पका हुआ लेकिन भोजन जब ले रहे हैं? जब पेट खाली होता है तो पेट में कुछ गुड़गुड़ाहट सी होती है, पेट जब खाली होने लगता है। अच्छा चलिए, वो तो खैर कोई हाँ, दिक्कत नहीं, गुड़ाहट तो कोई समस्या नहीं। एक भी रात में भी होने लगता है जब पेट खाली हो जाता है, अच्छा। तो कोई सोचता हूँ दिक्कत तो थोड़ा नहीं है भोजन ले सर? लूँ, रात रात अच्छा में उठ के थोड़ा भोजन ले लेता हूँ तो शांत हो जाता है। अच्छा हाँ ये भी करना पड़ रहा है आपको। हाँ ये भी करना पड़े, क्या करूँ सर, जब जैसे खाली होता है तैसे गुड़गुड़ा चालू, जैसे थोड़ा सा भोजन ले लेता हूँ फिर वैसे हो जाता, लगता है कुछ हुआ ही नहीं। राइट राइट राइट। हाँ चलो ठीक है, इसमें और क्या कर सकते हो? मिलेट आप नहीं ले रहे हो? मिलेट अच्छा, मिलेट के बारे में भी मुझे पूरी जानकारी है भी तो नहीं सर, सुना तो जानकारी? है मिलेट के बारे में, हाँ जी, मिलेट के बारे में पूरी जानकारी नहीं है मेरे ना। मिलेट तो देखिए 5 अनाज हैं अलग अलग। हाँ नाम बताइए सर। हाँ लिखिए इसको, लिटिल मिलेट। हाँ लिखेंगे। हाँ कोडो मिलेट है, फॉक्सटेल, अच्छा कोडो मिलेट बार्नयार्ड, जी। ब्राउन टॉप। अच्छा, ब्राउन। तो बिल्कुल सही। ये जो गांव में पहले वो नहीं होता था सावा वगैरह, जानते होंगे? हाँ, इसमें सावा है, एक जो बार्नयार्ड है उसी को सावा बोलते हैं। हाँ, तो क्या एक बुढ़े आदमी बोल रहे हैं कि इसको भी खाया करो सुबह में, बहुत अच्छा रहता है वही तो है, वही इसकी। वही वही मिलेट है वो वही मिलेट है। अच्छा यही मिलेट है, हाँ जी हाँ जी, बार्नयार्ड ही मिलेट है। तो हमारे गांव में एक है उगाते हैं वो, जैसे कि उसका घास वास होता है ना, भैंस ज्यादा खाती है। वो घास ही है, घास का बीज है बेसिकली हाँ एकदम छोटे छोटा छोटा होता है। ये। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बोल रहे थे इसका भी चावल खाया करो, और उसका थोड़ा छिलका उतारने में बड़ी कठिनाई होती है उसको। वो उतारना पड़ता है, वो एक्चुअली मिल में ले जाके उसको उतरवाना पड़ता है एक बार। नहीं उसको हाथ से ऐसे कूटते हैं तब निकलता है उसका। अच्छा हाँ, वही प्रोसेस, मतलब चलो वो हाथ से कर लेते हैं जनरली, अगर बल्क हाँ, में है तो तो। जैसे पूरा
पुराना चीज नहीं है, उसे कूटते हैं उसी से निकालते हैं। बिल्कुल, तो ज्यादा तो नहीं निकल पाता, जैसे 2 किलो 4 किलो 5 किलो 8 किलो ऐसे बड़ी मेहनत करने पे निकलता बता रहे थे, करें तुम्हें जरूरत हो तो ले जाओ। इसीलिए तो इतना महंगा बिकता ना, बात ये उगता कम है ये हाँ, उगता तो। नहीं है वहाँ पे सर, वहाँ पे कुछ होता नहीं है ना, तो ये लोग बो देते हैं वहाँ पे, जैसे नदी का किनारा है ना, उसको काट के खिला देते हैं, जब पक जाता तो उसका बीज वही ले आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही मिलेट है जो जो 5 मैंने आपको बताए ना, उनमें एक ये भी है बार्नयार्ड, सावा उसी को बोलते हैं। तो उसको सर, उसको जैसे पका के लूं कि वैसे कैसे, उसमें नहीं पका के लेना पड़ेगा, से पचेगा नहीं, उसको भिगो लेना पहले 8-10 घंटे, अच्छा उसमें और कुछ ऐड करना है कि बस सिर्फ वैसे उबाल दूं? बस जैसे आप वो अपना बनाते हैं चावल का जो जो चीजें डालते हैं उसमें डाल दीजिए। ओके सर, धन्यवाद। बस बस यही जो है, अब चावल बंद कर दूं ना इसकी जगह पे जब तक बिल्कुल है? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप चावल की जगह इसको लीजिए मिलेट जो आपके यहाँ है। चलिए सर, अब थोड़ा मेहनत कराना पड़ेगा, हमको भी छिलका उठवाना पड़ेगा। धन्यवाद बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलिए सर। ओके जी, ओके वेलकम।